अब इंटरेस्ट ऑन ओरिजिनल लोन, अगर मान लो उसने कोई लोन ले रखा है तो लोन टेकन फॉर पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन और रिपेयर और रिन्यूअल, मतलब ये अगर उसने परचेज पे लिया है लोन या कंस्ट्रक्शन पे लिया है या कोई रिपेयर या रिन्यूअल कराने के लिए अगर लिया है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में उसका 2 लाख की लिमिट है, वो हमने पहले बताया था, ठीक है। और लेट आउट प्रॉपर्टी में, लेट आउट प्रॉपर्टी में कोई लिमिट नहीं है, मतलब जितना उसने इंटरेस्ट पे किया पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, जो भी हमने डिस्कस किया था। अब इस वाले केस में ये है कि अगर उसने लोन पे नहीं भी किया है तो एक्चुअल में ये अक्रूअल बेसिस पे इसको डिडक्शन मिलेगा। अगर उसने लोन का इंटरेस्ट अगर रियल में पे नहीं भी किया है, अगर ड्यू हो गया है, तब भी उसको डिडक्शन मिल जाएगा। अभी डिडक्शन कैसे मिलेगा, उसके पास क्या प्रूफ है, मतलब कैसे कैलकुलेशन करेगा वो, तो आप देखिए आप ये चेक कर सकते हैं। अगर मान लो उसने HDFC से लोन ले रखा है, ठीक है, अगर उसने HDFC से लोन लिया है तो HDFC एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट देगा ईयर के एंड में। अब देखिए इस वाले केस में, इसमें आप देख सकते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट फॉर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रिपेबल फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया है, जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का आप कैलकुलेशन देख सकते हो। अब ये तो बेसिक कैलकुलेशन आ गई कि लोन अकाउंट नंबर क्या है, कितना अमाउंट सेंक्शन हुआ है, डिसबर्समेंट कब हुआ है, ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ है। अब मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है इंटरेस्ट कंपोनेंट, कि उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है। आप इंटरेस्ट कंपोनेंट देख सकते हैं 60,568 है, और प्रिंसिपल कंपोनेंट है 1,07,732। तो सर ये टोटल क्या होता है? ये इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है जो आपको बैंक से लेना पड़ेगा। तो कई बार ओके जैसे अगर आपने आपकी अगर नेट बैंकिंग है या लॉगिन ले रखा है आपने, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप ब्रांच में विजिट करके उससे साइंड कॉपी ले सकते हो, और ये आपको मतलब कि अपने एम्प्लॉयर को डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपको एम्प्लॉयर को डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो वो फिर जब आपकी टैक्स की कैलकुलेशन करेगा तो वो कंसिडर कर लेगा इस लॉस को, और आपका टैक्स है वो कम काटेगा। बट अगर मान लो आप इम्प्लॉयर को नहीं दे पाए कोई रीज़न से, या बैंक से आपको ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, तो जब ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनल सर्टिफिकेट बैंक से मिल जाएगा आपको। फाइनल सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट में ये कि ईयर कंप्लीट होने से पहले ही वो आपकी ये कैलकुलेशन करता है। आपने मान लो ऐसा लोन ले रखा है कि अगर मान लो फ्लोटिंग रेट वाला लोन ले रखा है, कि जो भी इंटरेस्ट है वो फ्लोटिंग रेट के हिसाब से चेंज होगी, तो ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो तो आपको पहले ही दे देगा। बट उसको कई बार ये होता है ना कि भी इंटरेस्ट की रेट क्या होने वाली है, तो जो करंट इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन दे देगा। बट अगर फ्लोटिंग रेट वाला है तो फाइनल जब ईयर कंप्लीट हो जाएगा तभी वो पता चलेगा कि उसका इंटरेस्ट एक्चुअल में कितना बना है, उसके बाद वो फाइनल सर्टिफिकेट देगा। तो फाइनल फाइनल सर्टिफिकेट के बेस पे वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ है कि आपने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है। इसमें आपको जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो आपको सेक्शन 24B वाला जो पार्ट है, जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का जो डिडक्शन मिलेगा, उसमें देखिए 60,000 रुपीज़ इसमें है, तो 2 लाख की लिमिट है, तो उसको पूरा पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल कंपोनेंट भी है इसका, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट वाला पार्ट है वो 80C में डिडक्शन में उसको कवर हो जाएगा, मतलब 80C की डिडक्शन जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें देखिए ये वाला पार्ट भी इंक्लूड होगा। तो आपको बस इस हाउस प्रॉपर्टी के लिए बस इंटरेस्ट कंपोनेंट ही अभी कंसिडर करना है, ठीक है। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। अब देखो मैंने ये लाइन में बताया था ना, दिस डिडक्शन इज अवेलेबल इवन इफ द इंटरेस्ट इज नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट में तो ये है कि इंटरेस्ट तो अभी आपने पे किया नहीं, उसने सर्टिफिकेट दे पूरे साल का इंटरेस्ट इसका इतना रहना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर इंटरेस्ट पे भी नहीं किया है, अगर ड्यू भी हो गया है या इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में अगर मिल गया है, तो आप उसका डिडक्शन ले सकते हो।